इंदौर रेलवे स्टेशन पर उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक इंदौर से मुंबई जाने वाली ट्रेन की छत पर खड़ा हो गया और ट्रेन के ऊपर से जाने वाले हाई टेंशन लाइट को पकड़ लिया। फिलहाल काफी जद्दोजहद करते हुए व्यक्ति को ट्रेन से नीचे उतारा गया और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। घटना इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है। यहां खड़ी मुंबई से इंदौर चलने वाली ट्रेन की छत पर एक युवक चढ़ गया और उसने ट्रेन के ऊपर जाने वाली हाई टेंशन लाइट को पकड़ लिया। लाइन पकड़ने के कारण उसको काफी तेज करंट लगा, लेकिन उसके बाद भी युवक नीचे नहीं उतरा। जब इस बात की जानकारी रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी पुलिस कर्मियों को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और उसे समझाकर नीचे उतारा और इलाज के लिए एमवीआर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन घटना के बाद जब युवक को पुलिस कर्मी एम्बुलेंस तक लेकर निकले, उस दौरान रेलवे स्टेशन पर किस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण युवक को ठेले पर डालकर पुलिसकर्मी 108 एम्बुलेंस तक लेकर पहुंचे और इलाज के लिए एम्बा अस्पताल भेजा गया। ये व्यक्ति करंट लगा हुआ है, इसको हमें इमरजेंसी में एम्बा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई है। किसके माध्यम से सूचना प्राप्त हो गई थी और क्या बताया गया आपको? जीआरपी थाने से कॉल आया था हम लोगों के पास। हाँ, क्या सूचना मिली? एक व्यक्ति करंट लगा हुआ है, इसे मेडिकल सेवा देना है।